अफसोस, दिल टूट गया यार मेरा तो। So good morning guys from the Kollam and welcome back to the channel guys. This is your boy Deepak Pandya. You are watching Hey Smart Maker. So सबसे पहले तो आपने देख लिया कि मेरे रूम के बाहर का व्यू ऐसा है, एक नंबर व्यू है। और आज है केरला ट्रिप का सातवां दिन और आज हम जा रहे हैं, आज नहीं मैं नहीं बताऊंगा आज हम कहां जाने वाले हैं। आप गेस करो कि मैं कहां जाने वाला हूँ, एक हिंट तो बनता है। सो मैं एक हिंट देता हूँ, हिंदी मूवी है, शाहरुख और दीपिका पादुकोण है उसमें, और उसका उस मूवी का नाम एक ट्रेन के ऊपर से, साउथ की ट्रेन है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। सो वहाँ पे जाते हैं और मैं देखता हूँ कि आपने सही गेस किया है कि नहीं किया है। सो इट्स राइट नाउ 9:70 इन द मॉर्निंग। सो अब निकलते हैं, सामान वामान हो गए पैक, सो अब निकलते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए आप गेस करो। हम आ गए कहाँ पे, मैंने आपको बताया कि आप किस जगह पर। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, मुझको बोलना है कि मूवी का सॉन्ग का नेम, पर मैंने आपको मूवी का नेम ही गेस करने को बोल दिया। सो पता बताओ अभी मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस और सॉन्ग का नाम तो आप तो चल गया होगा। सॉन्ग का नेम है कश्मीर में रुक कर नहीं है तुम्हारी, आगे नहीं गया था कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम आ गए तमिलनाडु कन्याकुमारी। तो अभी देखने जा रहे हैं, आज एक्सप्लोर करेंगे कन्याकुमारी को। तो लेट्स गो। हम आए देवी कन्याकुमारी टेंपल, तो दर्शन कर लेते और फिर पेज पे निकलते। तो हम लोग आए, तो हम लोगों को वो है ना, वो स्टैचू वहाँ पे जाने का है, वहाँ से लेकर पूरा बोट में वहाँ से वहाँ तक। सो वहाँ तो बाद में निकलते हैं, अभी तो भूख लगी है, सो थोड़ा बहुत लंच करते हैं फिर वहाँ जाने के लिए निकलते हैं बाद में लंच करके।
सारे लोग हैं, हमारे लिखे हुए यहाँ पे हम लोग मेरी बोट में पर नॉइस बहुत है, बहुत ही वहाँ पे बच्चों के पास बाद में बात होते हैं। और ये हमको सेफ्टी और उसके लिए लेना ही है, तो वहाँ पे बात में बात करें, यहाँ पे नॉइस बहुत है। लंच इज डन और लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। तो यहाँ पे आने के लिए आपको बोट से आना पड़ता है और यहाँ पे उन लोगों की फेरी सर्विस है। तो फेरी सर्विस के लिए आपको यहाँ पे यहाँ आने के लिए बोट में आपको बैठना पड़ता है और बोट की नॉर्मल एंट्री फीस है 50 rupees पर हेड पर। पर आप लाइन में नहीं खड़ा रहना रहते तो आप 200 rupees की स्पेशल एंट्री लेके भी आ सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि बहुत ही लाइन थी, सो ऐसे 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 बहुत ही लाइन, सो हमने स्पेशल 200 rupees की स्पेशल टिकट लेके यहाँ पे आए। यहाँ पे विंड बहुत है, सो आई होप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। और लोग आ रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। सो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ये समुंदर के बीचों बीच ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये स्वामी ने विवेकानंद का पूरा पूरा लाइक डैड का नाम क्या था, मॉम का नाम किस ईयर में उनके क्या किया उन्होंने, वो सब है। उनका नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पढ़ा वो भी है इसमें। और ये है मेडिटेशन हॉल। ये बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने फ्रूट केक करें, ये वाइट वाइट लगा रखा है, बहुत बढ़िया लगा रखा है। इस मंदिर में स्वामी विवेकानंद की रॉक की स्टैचू बनी हुई थी और यहाँ पे बहुत ही बड़ा है स्टैचू दूसरा स्टैचू। सो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो देख लिए, अब निकलते हैं। पर मैं आप सबको बताना चाहूँ कि यहाँ पे आओ तो प्लीज़ अपने साथ कैप या हेड लेके आए। यहाँ पे बहुत ही धूप है और धूप के कारण मेरा सदट कर रहा है।
कन्याकुमारी तो घूम लिया, अब थे पोवर वही के वहीं पे है आजाद का स्ट्रेस, सो निकलते पोवर के लिए। सो गाइस फाइनली हम आ गए पोवर में और यहाँ पे आजाद का हमारा है स्टेज, सो आज हम यही टूटने वाला है। सो होटल में तो आ गए अपन, या होटल के क्वालिटी बोल सकते हो, स्पेशलिटी तो कि होटल यहाँ पे समुंदर के बीच में है यहाँ पे होटल। सो हमको यहाँ से बोट में जाना पड़ेगा होटल के लिए। बोट हमारी आई नहीं है अभी, यहाँ पे है बोट का इंतजार कर रहे हैं। सो लगता है आ गए बोट, निकल रहा हूँ, मिलते हैं होटल पे डायरेक्ट। ये सब आजाद के लिए हमको वही रहना है इस सब में। सो बोट से उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं हमारे होटल रूम की ओर। अभी अभी आपको बताया था कि हम वो बार है वो रूम्स में रहने वाले, पर अफसोस दिल टूट गया यार मेरा तो, वहीं वहाँ पे नहीं रहना है और यहाँ पे आइसलैंड में रहना है, आइलैंड में रहना है। सो अब देखिए होटल तो है ही और यहाँ पे रूम्स, सो लिटल बिट लाइक दैट, नो वरी, इट्स ओके। सो अभी हम आ गए अपने रूम में, सो दिखाता हूँ कि रूम कैसा दिख रहा है। सो दिस इज आवर रूम फॉर टुनाइट। रूम में आ गए और हम रुके आइलैंड पे। सो आइलैंड पे देखने को यहाँ पे बहुत कुछ है, सो फ्रेश हो लेते हैं फटाफट से और निकलते हैं फिर एक्सप्लोर करने क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे आइसलैंड पे। सो फ्रेश होके मिलते हैं। फ्रेश होने के बाद निकला हूँ इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए और अभी आया हूँ सनसेट पॉइंट देखने। सो सी द सन सेट। सो सनसेट हो चुका है और अब हम निकलते हैं दूसरी जगह एक्टिविटीज पॉइंट पे जा रहे हैं या एक्टिविटीज सेंटर जा रहे हैं या रैबिट फार्म देखने जा रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं। सो सनसेट दे दिया गया और उसके बाद प्लान वही था कि रैबिट फार्म जाएंगे और एक्टिविटीज सेंटर पर, वहाँ पे नहीं गए डायरेक्ट रूम पे आ गए, रूम पे आके फ्रेश हो गए और फिर डिनर कर लिया और डिनर के बाद आ गए रूम पे। सो आज के लिए बस इतना ही रखते वीडियो में, कोई भी रीजन से आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन डोंट
forget to do subscribe. यहीं तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करे भी ना मत जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना. सो विद दिस सेड, एज ऑलवेज स्टे हैप्पी, बी लविंग एंड कीप स्माइलिंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. पर यहाँ पे कॉटेज